प्रसाद और पेड़ा चढ़ता है सर, प्रसाद और पेड़ा चढ़ता है सर, प्रसाद नहीं चढ़ता। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि प्रसाद ले लो, प्रसाद ये कर दे, तो सब स्कैम है। अंदर कुछ भी ले जाने देते थे, किस्मत अच्छी है, देखो पालकी भी मिल गई। जस्ट मैं अंदर घुसा और उन्होंने मेरे को सीट पे बिठाया और आते के साथ सारा 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 सामान चालू हो गया, रूम भी ले लिया और बहुत बजटेड भाई, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हमने कितने का लिया होगा, तो वो बहुत ही बजटेड है। सो गुड मॉर्निंग भाई लोगों, मेरा नाम है सरांश और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरर सरांश। तो अभी जैसे कि अगर आपने कल वाला एपिसोड नहीं देखा तो भाई वो वाला जाके देखना, जिसमें मैं दिल्ली से चला था भाई शिरडी वाले मिशन पे, दिल्ली से मैं पुणे पहुंच जाऊंगा, जो कि मैंने अप्रॉक्स आइडिया लगाया था 24 से 25 घंटे के अंदर अंदर। हालांकि मैं पहुंच भी गया 23 घंटे के अंदर, बट मैं एग्जैक्ट नहीं पहुंचा, मैं जस्ट शिरडी से 100-150 किलोमीटर पहले एक जगह आती है, मैं वहां पे रुक गया क्योंकि भाई अपने से हो नहीं पाया। मैंने सोचा था नॉन स्टॉप चलाऊंगा, लेकिन 48 घंटे हो चुके थे चलते हुए, क्योंकि 24 घंटे वैसे और प्लस मैं एक दिन पहले भी नहीं सोया था और ऑफिस से मैं डायरेक्ट आया था, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। लेकिन अगर आप आ रहे हो ना, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो भाई बिल्कुल मत करना, और वाला वीडियो देख लेना रेफरेंस के लिए, आप इससे पहले वाली एपिसोड, और उसमें आपको पता लगेगा कि भाई कितनी मुसीबतों का सामना करके आपका भाई यहाँ तक पहुँचा। तो आज का प्लान आपको मैं बता दूँ ऊपर ऊपर से, तो रात को जैसे कि मैं 2 बजे लगभग सोया, अभी 8:30 हो रहे हैं, और अभी मेरा प्लान यह है यहाँ से मैं जस्ट 150 किलोमीटर जो वो गंदे वाले पैच है ना, क्योंकि हर किसी ने बोल दिया था कि गंदा पैच है आगे वाला मलगांव के बाद, करेंगे आज जो वो 150 किलोमीटर है वो कंप्लीट करके शिरडी साईं बाबा के दर्शन करेंगे। तो एक बार ऐसे करते हैं कि एक बार ना साईं बाबा के नाम से ही ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, जय साईं राम। तो साईं बाबा जी आपने यहाँ तक बुलाया बढ़िया तरीके से, बस आगे की राइड भी बढ़िया रखना। तो अभी का प्लान यही है बस हमारा कि अभी शिरडी जाएंगे बैग वगैरह लेके, मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे भी एक रूम ले लूँ ताकि हेक्टिक ना हो, क्योंकि कल अपने को जाना है गोवा, तो इसके नेक्स्ट वाला एपिसोड गजब होने वाला है। तो मैं यहाँ से बैग लेके सीधा नए जो हमने होटल लेंगे वहाँ पे कोई होटल ढूंढता हूँ बजटेड सा। वैसे इसका मैंने बजट बता दिया था लास्ट वाले एपिसोड में, आपने देखा होगा वीडियो के एंड में मैंने सब कुछ लिख दिया था कि भाई कितना एक्सपेंस था, पेट्रोल का कितना एक्सपेंस था डे वन का, मतलब जितना भी पेट्रोल से लेके खाने तक का, चाय चाय का, सबका मैंने एक्सपेंस वहाँ पे लिख दिया है मेंशन करके। एक बार रेफरेंस के लिए आप उससे पहले वाले एपिसोड भी देख सकते हो। और अभी हम जाएंगे शिरडी, वहाँ पे भी कोई बजट सा हम रूम देखते हैं, और फिर वहाँ पे उसका भी एक्सपेंस आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा सारा टोटल, जो आपका पूरा जो लमसम अमाउंट होगा ना वो मैं आपको बता दूंगा, पेट्रोल का डे टू का जितना भी लगेगा। अभी 2-3 घंटे का रास्ता और है, तो वो वहाँ बैग पैक करते हैं बाइक पे एंड देन वहाँ से आपको रोड पे मिलता हूँ। बोले तो सामान देख रहे हो ना, ये सारा पैक करते हैं फटाफट से जल्दी जल्दी। तो भाई बाइक हमने रेडी कर दिया, सारे सामान वगैरह लोड कर दिया, चैन क्लीन भी कर ली, अब आ चुके हम खाने के लिए। ये है मिसल पाव, मुझे भी नहीं पता यार, मैं भी फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, मेरे को लगा पाव भाजी जैसा कुछ होगा। तो अभी पसीनों में लथपथ हो चुका हूँ भाई, क्योंकि चैन क्लीन ल्यूब वगैरह करना है और बैग वगैरह लोड करने थे, और धूप बहुत तेज है और राइडिंग जैकेट पहननी पड़ रही है। अभी ऐसा लग रहा है गर्मियों के मौसम में आ गए, अभी तो बहुत लंबा ट्रैवल करना, मैं सोच रहा हूँ अभी खा लूँ, क्योंकि आगे का कुछ भरोसा नहीं है कि भाई कब रुकूँ कब खाऊँ। तो अभी खाने का जैसे सुबह सुबह ही खा लो ना, तब आपको एनर्जी रहेगी, क्योंकि अभी दो तीन घंटे कंटिन्यू ड्राइव करना है। देख रहे हो मेहनत, तो इस वीडियो को यार प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपको ना मैं मस्त एकदम मोटो ब्लॉग दिखाऊंगा बढ़िया से, ऑफ रोडिंग वाला पैच आएगा, ठीक है। अभी मिसल पाव खाते हैं, अभी भैया यहाँ पे जो थे उन्होंने बोला कि भैया मिसल पाव ट्राई करो वो अच्छा है, मैं चलो मिसल पाव खा लेता हूँ। और फटाफट से निकलना है, अब सामान रख लिया है, सामान की सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है अपने को, फ़ोन रख लिया है। तो
ओहो यहाँ तो ट्रैफिक रूल की साखी नाका कर रखा है भाई। तो चलो दिन की पहली बाइक राइड, ठंडी ठंडी हवा, आहा मजा आ गया भाई। तो भाइयों कभी भी आपको ना किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी भाई, ये मैं सीख गया हूँ भाई सबक अपनी पहली राइडों से। और जो भी मेरे साथ गए हैं पहले, सौरभ को भी अच्छे से पता है भाई कि जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी। हमारे साथ बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है जल्दबाजी के। तो मतलब सोलो राइड पे अगर मैं मतलब ना इसे एज्यूम करता रहता हूँ, अगर ये भाई लोग होते तो अभी क्या कर रहे होते, पता क्या कर रहे होते, अभी हम कहीं पीछे ही पास ही कहीं और घूम रहे होते। क्योंकि अभी क्या है ना, अपनी अपने पास है सब कुछ पावर कि जहाँ मन करेगा अपन वहाँ रुक सकते हैं। नहीं तो पता है वो जितने लोग होते हैं ना 15-20 जो वहाँ से ट्रिप पे जाते हैं, उन सब के पास कुछ कुछ पावर्स होती है कि किसी की भी चीज़ के लिए। कोई जैसे खाने के लिए बोल देगा मैं ये नहीं खा रहा, मैं कहीं और खाऊंगा। कोई और कहीं जाने के लिए, भाई मैं यहाँ नहीं जा रहा, मैं कहीं और जाऊँगा। तो मतलब ऐसे छोटी छोटी पावर, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, ये होटल अच्छा नहीं है, दूसरा होटल में रुकूंगा। तो ये सारी पावर हर किसी के पास होती है, लेकिन अब वो सारी पावर तुम्हारे भाई ने खींच ली है और सोलो ट्रैवलिंग के मज़े ले रहे हैं भाई बहुत आराम से। अभी 140 किलोमीटर है, 3 घंटे दिखा रहा है पता नहीं क्यों। शिरडी होके गोवा, दिल्ली से गोवा अकेले। शुक्रिया भाई। सारांश, चैनल का नाम एक्सप्लोरर सारांश। ओके दादा भाई, ये सोलो ट्रैवलर वालों को ना अप्रिसिएशन बहुत मिलता है। ग्रुप में होते ना तो उनको लगता है कि अच्छा ठीक है सारे ग्रुप वाले जा रहे हैं, लेकिन सोलो हिम्मत की दाद देते हैं ना जब वो लोग, तो हम ऐसे छाती चोड़ी कर लेते हैं ऐसे कि हाँ भाई मैं हूँ एक्सप्लोरर सारांश। बढ़िया यार, मतलब मेरे को ऐसी कोई दिक्कत अभी तक महसूस नहीं हुई। बस दिक्कत ज़रूरत पता कब लगेगी, मुझे लगता है जब मैं गोवा पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ से शिरडी 139, नासिक 152, मुंबई 330। मतलब अगर भाई लोग होते हैं हमारे गोवा में तो मतलब तब मुझे फील होगा, क्योंकि भाई उनकी हरकतें हैं, सारे भाई लोग साथ होते हैं तो मज़ा अलग आता है। पर कोई नहीं, दोबारा चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन ना मैंने अभी लॉन्ग वीकेंड आ रहा था दशहरा के टाइम पे, तो मैंने कहा यार ये छुट्टी दोबारा नहीं आएगी, ये लॉन्ग वीकेंड मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे को वो करना है जो मुझे करना है। तो मैंने सोच रखा है अभी बस शिरडी पहुँचते हैं। हमारा पहला स्टेप तो यार वही है, पहला स्टॉप जो है मतलब हमारे रूट का, कि शिरडी पे जाएंगे, बाबा जी के दर्शन करेंगे अच्छे से, अपनी बाइक को भी दर्शन करवाएंगे कि मेरी बाइक भी थी। अभी पहली बाइक तो नहीं आ पाई, पर पहली बाइक को हमने बहुत सारी जगह ले गए, तो वहाँ पे उस बाइक के पास बहुत सारा आशीर्वाद है। अभी ये अपनी मिस्टर ग्रीन को हम पहली बार लेके जा रहे हैं मतलब दर्शन करवाने के लिए। इससे पहले हम तुंगनाथ गए हैं दर्शन के लिए, और अभी यहाँ जा रहे हैं शिरडी। तो अच्छी बात है यार, अपनी मिस्टर ग्रीन भी दर्शन दे देगी। तुंगनाथ तो हम अपनी दूसरी वाली बाइक को, पहली वाली बाइक को भी ले गए थे, और पहली वाली बाइक को तो हम केदारनाथ भी ले गए थे। तो भाइयों देख लो, तुम्हारा भाई बहुत घूमता है भाई। अगर तुम चैनल पे नए हो ना तो एक बार सारी वीडियोस चेकआउट करना यार, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मज़ा। तो बस 150 किलोमीटर है, तो ना वैसे ज़्यादा स्ट्रेस लोड नहीं ले रहा किसी चीज़ की, आराम से चलेंगे। बस मेन क्या है ना, अपने को सामान की टेंशन रहती है कि यार ज़्यादा सामान, तो कहीं भी होटल वगैरह पे रुकते हैं सामान वामान निकालते हैं तो उसमें ऐसा रहता है कि कहीं कोई सामान छूट ना जाए, क्योंकि छोटी सी छोटी चीज़ ना आपकी अकेली सोलो राइड पे स्पेशली मदद कर सकती है, और वो चीज़ छूट जाना तो बहुत दुख सा भी होता है। टोल बताऊँ तो शिरडी तक कम से कम 11 टोल आए हैं, जिसमें से हमने एक भी नहीं दिया है। और बाइक पे चेन लूप कर दी ना, बाइक की चेन एकदम स्मूथ चल रही है भाई। कि आपको पता है कि भाई 2-3 हज़ार किलोमीटर वाली राइड है तो इंजन ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इंजन ऑयल भी ले आऊँ, तो इंजन ऑयल भी साथ साथ डालता रहूँगा जहाँ कहीं भी जगह मिलेगी। और बस मज़े ले रहे हैं भाई, और आप भी मज़े लो भाई राइड के। तो आपके पास कितने ही पैसे हों, कितनी बेशुमार दौलत हो, लेकिन आपको सुकून सिर्फ आपके मन पसंदीदा काम करके ही मिलता है। तो हम भी बस निकल दिए अपने मनपसंद काम करने के लिए, देखते हैं सफ़र कहाँ तक चलता है। हमने ड्रोन शॉट वगैरह लिया, आपने देखा होगा यार ये पहाड़ बहुत सही लग रहा है, बट ना मैं डर डर के उड़ा रहा था। मेरे में ना हिम्मत अभी भी नहीं आ रही यार कि मैं उसको हाइट पर उड़ाऊँ, बट थोड़ा थोड़ा इतना ही उड़ा रहा था कि जितना जितना आस पास रहे बस मेरे एरिया के, और ज़्यादा दूर मैं उड़ा नहीं रहा, क्योंकि यार बस थोड़े बहुत आपको शॉट दिखाने, इतनी हिम्मत, क्योंकि अभी मेरा चैनल अगर चल रहा होता ना तो मैं शायद उड़ा भी देता कि चल कोई नहीं दूसरा ले लेंगे, लेकिन नहीं यार, मिडिल क्लास बंदे हैं भैया, बहुत मेहनत से लेते चीज़ें, और आप सपोर्ट नहीं दिखाते। ऊपर से आप लोगों के लिए इतना कष्ट तो हम कर लेते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करो ना यार, कमेंट कर दिया करो। मैं कह रहा हूँ अगर मुझे कोई सब्सक्राइब भी नहीं करता ना, कोई इशू नहीं है,
बस एटलीस्ट कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे पता लगे। देखो मेरे को कोई पर्सनल मैसेज भेजता है ना तो मुझे ये लगता है कि यार पर्सनल मैसेज से अच्छा अगर वो कमेंट कर देता ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार एटलीस्ट चल बंदे ने अप्रिशिएट करा। मतलब छुपाना नहीं है भाई, कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है तो कर रहा है भाई, उसको अप्रिसिएशन देने में क्या बुराई है। एक तो ये शिरडी वाले रोड पे ना बहुत ज़्यादा ना बम्पर्स बना दिए हैं बहुत सारे, दो दो तीन तीन हर थोड़ी देर बाद, बहुत इरिटेट कर रहे हैं भाई। मतलब बाइक आधे से आधा मेरी हिल गई है यार इसके वजह से। ये देखो इससे अच्छा ऑफ रोडिंग में मैं फिर भी चला लेता। ये देख भाई इतनी ये बम्पर बनाने की क्या ज़रूरत थी भाई। भाई साहब पहाड़ तो देखो हर जगह पहाड़ मिल ही जाते हैं, हम ना भी चाहें ना तब भी पहाड़ हमें कहीं ना कहीं से खींच लाते हैं। बेटा आ जा पहाड़, अच्छा माउंटेन परसेंट बन रहा है, बीचेस परसेंट बन रहा है, रुक बताता हूँ अभी तेरे को। ले माउंटेन फेंक के मारते हैं माउंटेन, ले तू अब तुझे हर जगह पे माउंटेन दिखेंगे। व्यू चेक करो यार भाई गजब, हरियाली हरियाली, बीच में रास्ता पहाड़ों वाला, एक नंबर भाई। इन तो क्या है ना कि घूमना जरूरी है यार, नए लोगों से मिलोगे नई चीज़ें सीखोगे तो आपका माइंड बिल्डअप होगा, थोड़ा अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर निकलोगे, कुछ अच्छा करोगे ज़िंदगी में, अपनी भी और दूसरों की भी, कुछ वैल्यू बनाओ अपनी ना कि दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू मैटर करती हो। एक नंबर भाई, एक नंबर रास्ता है भाई, कोई टेंशन नहीं भाई, मज़ा आ रहा भाई चलाने में। हम दो सेल हैं, इंडिकेशन आ गया है लो फ्यूलिंग तो अभी फुल फ्यूलिंग डलवा लेते हैं। अभी हम यहाँ पे कितने रुपए लीटर है, 106। चलो बाकी जगह से कम है, यहाँ पे 106 है, राजस्थान में 108 था, एमपी में 109 था, इधर है 106। ये आज कितना खर्चा होता देखो, डे का पहला खर्चा पेट्रोल। देखो हमने ब्रेकफास्ट करा तो बाइक को भी ब्रेकफास्ट मांगता है ना, तो अभी इसको कि पिलाएंगे दादा। फुल कर दो ओई। फुल हाँ यस पेट्रोल है? हाँ जी दादा। और कोई भी ऑप्शन है क्या, डीजल डलता है किसी बाइक में अब? अच्छा पुरानी बुलेट जो पहले चलते थे नहीं भी है ना। अच्छा वो डीजल बुलेट वापस चालू हो गई? वापस चालू है ना, अभी नहीं अभी आया ना। अच्छा अच्छा नाइट में कोई बाइक वाला आता नहीं अंदर। अच्छा तो तेरी जैसी मर्जी वैसे चला। अच्छा ये रहता तो मतलब रात में रिस्की रहता है शेडी वाला कुछ क्या, वो 9-10 बजे से लगा देते सब। अच्छा कुछ क्या रहता है नाइट में, सेकंड आवर कुछ सिखाने की इसमें तू चला चलो तू ट्रेन में जाएगा। वही तो ट्रेन के चक्कर में किसी की और की जान के बात आ जाएगी। चलो सही है नहीं गए कल। चलो भैया देखो बेनिफिट्स बता रहे हैं, रात को देखो कुछ लोग पी के चलाते हैं यहाँ पे, तो कई लोगों ने मना करा था तो सही मना करा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो भाई हवा भर गई, एक टेंशन से तो फ्री हुए, कहाँ तक कहाँ से भगाता हुआ ला रहा है बगाड़ी। तो सही हुआ हम रात को नहीं गए, 4-5 घंटे की नींद ले ली, बॉडी रिलैक्स तो नहीं कह सकता बट हाँ ये है कि वो थकान नहीं हो रही, जो वो थकान थी ना दर्द होने वाली वो थकान नहीं हो रही, हो सकता है कि 2-3 घंटे बाद होने लगे। अभी यहाँ से रास्ता दिखा रहा है लगभग 86 किलोमीटर और 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है नेविगेशन। देखो भाई इतना तो तय है कि हर इंसान की जो मंजिल है वो मौत है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है ना वो खूबसूरत होना चाहिए। हम पहुंच गए हैं शिरडी, तो बस अभी साईं बाबा का जो मंदिर है वो थोड़ा सा दूर है, तो अभी क्या है ना अभी हम होटल ढूंढ रहे हैं सर्व साईं। ये है साईं बाबा का मंदिर और अच्छा ये रहा, ये देखो श्री साईं समाधि मंदिर परिसर, मतलब साईं समाधि मंदिर एरिया। A few hours later. यो अभी आप देख रहे हो कि भाई अपन ने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, तो भैया हम शिरडी पहुंच गए थे, पहुंचने के बाद हमने रूम भी ले लिया और बहुत बजटेड भाई, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हमने कितने का लिया होगा, तो वो बहुत ही बजटेड है, वो भी आपको वीडियो में बताऊंगा और अभी आपको रूम भी दिखा दूंगा। आज ना अष्टोत्सव है, उत्सव मनाया जाता है, मतलब वहाँ पे बहुत भीड़ होने वाली है बहुत ज़्यादा, तो कह रहे कि एक बार आप नंबर लगाओगे तो 6-7 घंटे बाद भी नंबर आ रहा है कई लोगों का, तो ऐसे करते हैं फटाफट से हम कुछ खावा लेते हैं एंड देन खाने के बाद आपको दर्शन वगैरह करवाएंगे, लेकिन फ़ोन अलाउड नहीं है तो मैं फ़ोन सोच रहा हूँ कि छोड़ के ही जाऊँ
और बस रास्ते में ले चलूंगा फोन, क्योंकि वहाँ पे फोन जमा वगैरह करवा देंगे। पहला पॉइंट तो ये, अभी हम खाने जाएंगे उसके बाद हम दर्शन की लाइन लगेंगे। अभी थकान बहुत हो रही है तो फटाफट से आके अपने को सोना भी है और कल सुबह निकलना बहुत लंबा। भाइयों ये है आपका भाई, हाथ में पहले हमने ताकि हम थोड़े और गोरे ना हो जाए इसलिए। और ये हमारा रूम है जो कि नॉर्मल सा रूम है, बट लेकिन भाई पैसे बचाने हो तो जरूरी है। ये गैजेट चार्ज हो रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि भाई बजटेड ट्रिप करने वाला आपका भाई, बजटेड पैसे बचाने हैं, मतलब अपने को ना पैसे बचाने हैं। ये रूम की कॉस्टिंग तो अभी आपको लोकेशन भी दिखाया तो नीचे चल के। अगर अभी यहाँ पे ना क्या है, फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, तो बस मैं पर्स वगैरह सब रूम पे छोड़ के जा रहा हूँ, और जो मेन जो हमारी चीज़ें हैं ना वो बस मैं लेके जा रहा हूँ, मेन चीज़ें जैसे कि पैसे और चप्पल बस, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं लेके जा रहा, बाकी और किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी नहीं, बस फ़ोन लेके जाऊँगा। फ़ोन वहाँ पर जमा होगा शायद 5 रुपये दे के, शायद जो भी है वो वही जाके बताऊँगा आपको। तो चलते हैं अभी खाना खाने के लिए। तो ये है गेस्ट हाउस जो होटल में आपको दिखा रहा था, ये उसका रिसेप्शन एरिया है। वो हमारा हेलमेट अभी तक नीचे रखा हुआ है। तो सर मिलेंगे यहाँ पे। सर आपका नाम? दशरथ खंडेलवाल। अच्छा, और सर आपके होटल का नाम क्या है? होटल चंद्र कमल। होटल चंद्र कमल, और इसकी लोकेशन जो साईं बाबा मंदिर है उसके पास में ही कौन सा आश्रम बताया आपने? नारायण बाबा आश्रम। अच्छा, नारायण बाबा आश्रम। नारायण बाबा आश्रम के जस्ट सामने मैं आपको बताता हूँ बाहर से, ये अपनी मिस्टर ग्रीन खड़ी हुई है। इधर जैसे आप साईं बाबा मंदिर आते हो वहाँ पे साईं बाबा मंदिर है, वहाँ से जस्ट स्ट्रेट एक रोड आ रहा है, इधर नारायण बाबा आश्रम है, ठीक है। वो आश्रम के साथ में एक रोड जा रहा है अंदर की ओर। यहाँ अंदर आओगे तो आपको एक ऑरेंज कलर की बिल्डिंग दिखेगी, और ये आप बिल्डिंग एक बार देख लो। बाबा के मंदिर के उधर कैमरा फ़ोन अलाउड नहीं है? ना। और पर्स वगैरह? ना। पर्स भी अलाउड नहीं है? पर्स भी अलाउड है, लॉकर है। अच्छा, वहाँ पे लॉकर है, वो सेफ्टी रहेगी फ़ोन वोन की? वो जो अच्छा सेफ्टी है, आई थिंक वो शायद 5 रुपये लेते हैं ऐसे कुछ ना फ़ोन वोन रखने। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, देखो इधर लिख भी रखा है कि कोई भी डिवोटीज आते हैं तो फ़ोन और कैमरा वगैरह ना लेके आए। हम जाते हैं भोजनालय, क्या नाम था भोजनालय का? साईं भोजनालय, भोजन ग्रह। और यहाँ से रिक्शे मिल जाएंगे ना सामने से? सस्ता का गाड़ी भी है। अच्छा, लेकिन वो मेन रोड से। अच्छा, मेन रोड से गाड़ी भी फ्री है। अच्छा, वहाँ से गाड़ी भी फ्री है। चलो फिर खाना, एक बार खाना खा के फिर दर्शन करके फिर एक बार दोबारा आएंगे। चलो ओके सर, मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। अभी क्या है ना कि बस मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ, मौसम बहुत सही हो गया, अब धूप नहीं आ रही, तो अभी आपका भाई भी मस्त चमक रहा होगा एकदम, नहा धो भी लिए ना इतने दिन बाद, 2 दिन बाद भाई पूरे। और अभी बस फटाफट से भोजन ग्रह चलते हैं, वहाँ पे 50 रुपये का 2 ऑप्शन है, एक फ्री वाला है एक 50 रुपये वाला। आई थिंक फ्री वाले में ज़्यादा भीड़ होगी तो हम 50 रुपये दे के खाएंगे, लेकिन देखते हैं कैसा सीन होता है वो आपको बताएंगे वहीं चल के। अभी फटाफट से जा रहे हैं हम भोजन ग्रह। ये देखो, ये रहा श्री नारायण बाबा आश्रम, और ये रही गली और बोरा, वहाँ पे ऑरेंज कलर का जो होटल जो हमारा है, इधर से आपको रोड से दिख जाएगा, और साथ में इधर शॉप भी है, आप देख सकते हो होलसेल शॉप है जस्ट उसके साथ में। तब देख लो कितनी दूर आ चुके हैं भाई हम घर से, जहाँ कभी अपनी दिल्ली में घूमने के लिए अपने को 10 बार सोचना पड़ता था, आज हम गोवा जैसी जगह सोचने के लिए बाइक उठाई और पहुँच गए। दिस इज अचीवमेंट ब्रो, ड्रीम कम ट्रू। साईं बाबा जी की मूर्ति यार कितनी सही लग रही है, इतनी बड़ी, बहुत प्यारी लग रही है यार, खुशबू आ रही है फुल देसी की, फुल प्रॉपर, भूख और बढ़ गई। ये देखो साईं बाबा जी जैसे ना उनकी पिक्चरों में दिखाते थे कि वो सबके लिए खाना बनाते थे, और वही एक पोर्ट्रेट यहाँ पे देख सकते हो आप। उधर से है फ्री वाला, इधर से एडल्ट के 50 सिंगल, तो ये मिल गई हमें स्लिप एडल्ट की 50 रुपये, दूसरे फ्री कूपन, दूसरा छोटा सा कूपन मिलता है। चलो 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 चलो। बाबा जी खुश हो गए ऊपर आए तो? आहा खुशी। हमने खेल में
आज सर लाए हैं, अच्छा ये राजमा, चना, चना या आलू की सब्जी, हलवा। कितना भी ले सकते हैं ना। मेन्यू फिक्स है या चेंज होता रहता है? अच्छा चेंज होता है। तो भाई बहुत सही, जस्ट मैं अंदर घुसा और उन्होंने मेरे को सीट पर बिठाया और आते के साथ सारा 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 सामान चालू हो गया। जैसे एक दाल लेके आ रहा है, एक सब्जी ला रहा है और मेरी पूरी थाली भर गई। मतलब देखते देखते मुझे पता नहीं लगा इतने सारी चीज़ें डाल दी उन्होंने, मैं पूछ भी नहीं पाया कौन सी चीज़ क्या क्या है। तो खाना खाते हैं, बढ़िया। अभी जस्ट मैं खा के आ गया हूँ और पीछे आप देख सकते हो साईं बाबा जी की मूर्ति, बहुत प्यारी सी लग रही है। और अभी जस्ट खा के एकदम फुल हो गया और खाना बहुत स्वादिष्ट था भाई, बहुत ज़बरदस्त, मतलब मज़ा आ गया। फुल देसी घी, मतलब अपने को ना आदत नहीं है इतना देसी घी खाने की, पर अपन ने खाया यार, अच्छा था, टेस्ट बहुत अच्छा था। लेकिन ना बस ये डाइजेस्ट हो जाए, दिक्कत ना दे डाइजेस्ट होने में, क्योंकि हमारी सारी ट्रिप पेट से ख़राब हो जाती है भैया। तो अभी बस बाहर को जा रहे हैं, अभी हम दर्शन की लाइन में लगेंगे और फ़ोन वोन जमा कराएंगे, दे जो भी प्रोसीजर होगा आपको बताऊंगा। तो बस चलते हैं मंदिर के दर्शन करने साईं बाबा जी। यो अभी मंदिर के लिए बस जाती है, जो उस बस के अभी हमने पता करा है बस शायद उधर लग गई है, तो वो फ्री बस है, उसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। तो वही बस के अंदर बैठेंगे और फिर चलेंगे भाई, फ्री बस है तो बस का भी आनंद हम लेंगे। खाना तो हमने खा ही लिया, बढ़िया गोरी बस। ये रही बस और अभी हम उतर गए हैं, बस दर्शन के लिए जा रहे हैं अंदर। एंड देन अंदर पहुँच के आपको अपडेट देता हूँ जो भी अपडेट होंगे। बस फटाफट से अंदर चलते हैं, एंड देन ये है मोबाइल लॉकर रूम। सर मोबाइल के लिए आपका नेम बोल, सर नेम बोल। भाई और टोकन दे भैया, ये प्रसाद और पेड़ा चढ़ता है सर, ये प्रसाद और पेड़ा चढ़ता है सर। तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करना पड़ रहा है क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। और अभी आपको पता नहीं लग रहा होगा तो क्या हुआ मेरे साथ, तो जैसे ही मैं जस्ट मंदिर के अंदर एंटर होने वाला था तो कुछ स्कैमर्स लोग मुझे एक शॉप पे ले गए। उन्होंने कहा कि बाबा के यही प्रसाद चढ़ता है और आप ये वाला प्रसाद ले लो। तो उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि साईं बाबा के तो कोई प्रसाद चढ़ता ही नहीं है, पर मैंने प्रसाद ले लिया। तो उसके बाद जब मैं अंदर जाने लगा तो पुलिस वालों ने बाहरी प्रसाद रोक दिया मेरा, और जो स्कैमर्स लोग मेरे साथ दुकान तक गए थे वही मुझे बाहर मिले और वो मेरा प्रसाद लेके वापस दुकान वाले को दे देते हैं और मैं मंदिर की लाइन में लग जाता हूँ। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने जस्ट पैसे दे के प्रसाद ले लिया था। तो फिर अभी क्या हुआ, जब मैं अंदर जाके लोगों से पूछा तब मुझे पता लगा कि यहाँ पे क्या सीन है। और अभी क्या है, मंदिर के अंदर की वीडियो तो अपन बना नहीं सकते थे, तो मंदिर के अंदर का आपको कोई शॉट नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन उसके बाद जब मैं बाहर आया मंदिर से तो मैंने वीडियो बनाई और वो आप आगे देखो। अंदर नहीं जाता, अंदर जाएगा। उसने ये उसने पता है क्या बोल के भेजा, पैसे उसने काटे, कह रहा है कि ये प्रसाद अंदर बाबा के चढ़ेगा, वहां तक लेके गया, मेरे नाम का वो भी होगा, वो सरांश टच करके नहीं, वो वापस लाके इधर दे दिया, मैं देख रहा वहां से वापस लाके उस भाई को वापस दे दिया प्रसाद उसने। और मेरे पास वीडियो है भाई, भाइयों अभी ना हम दर्शन की लाइन में दर्शन वगैरह करके आ गए हैं बाहर। तो मैं बस गेट वगैरह पूछ रहा था तो हमें एक भाई और मिल गया भाई, द्वारका वाला भाई, द्वारका बॉयज। तो देखो ये भी अपने को मिल गया, तो भाई ने कहा यार दिल्ली वाले कहीं नहीं छूटते भाई, दिल्ली वाले, मतलब मैंने तो सोचा नहीं था इस जगह भी कोई मिल सकता है भाई, दिल्ली से शिरडी तक। तो भाई मतलब प्रॉपर डिवोटी है, 12 दिन हो गए भाई को इधर रुके हुए। अभी मेरे साथ एक स्कैम हुआ था ना, उसमें भाई ने भी थोड़ी सी हेल्प करी, भाई भी आ गया साथ में, तो हम दोनों भाई चले गए। यहाँ पे ना अगर आप आ रहे हो तो प्रसाद अंदर नहीं चढ़ता, नहीं पहले मेन चीज प्रसाद तो चढ़ता ही नहीं है। हाँ।
कि अगर आप सिर्फ आप चुन्नी लेके जा सकते हो भाई, तो प्रसाद नहीं चढ़ता। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि प्रसाद ले लो, प्रसाद ये कर दे, तो सब स्कैम है। अंदर कुछ भी ले जाने देते, सिर्फ चुन्नी ले जा सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। जो भी प्रसाद है आपके खुद के खाने के काम आएगा, भगवान के नहीं चढ़ेगा। तो भाइयों मेरे को जल्दी से ज्यादा प्यार दो, और भाई को भी फॉलो कर लो यार, भाई की इनसाइड ही जी के इंटीरियर मेरे क्या, ये बिजनेस आर्किटेक्चर इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह करता है, तो प्रमोशन करते रहना चाहिए। हमारी प्रमोशन भी हो रही है, भाई की प्रमोशन भी हो रही है, ऐसे दोनों काम चल जाते हैं। तो अभी भाई ने एक तो यहाँ पे आया था, मेरा पर्स वगैरह तो सब उधर ही था जमा, तो भाई ने कचौड़ी वचौड़ी खिलाई, मतलब ट्रीट अच्छा करा भाई ने, कचौड़ी खिलाई भाई ने, समोसे वमोसे खिलाए। यहाँ की फेमस डिश है रगड़ा कचौड़ी, रगड़ा कचौड़ी। और भाई लेकिन ये फ्लाइट से आया, हम आए हैं भैया बाइक से, और आपको साईं बाबा के दर्शन करा लिए। पालकी भी जा रही थी, किस्मत अच्छी है, देखो पालकी भी मिल गई, बस छू नहीं पाया उसको, सामने से नहीं चल गया। हम द्वारका माई के पास खड़े हैं। द्वारका माई क्यों बोलते हैं बताओ, पहले यहाँ बैठते थे साईं बाबा, जैसे किसी का कोई किसी की तबीयत खराब हो या कुछ हो तो यहाँ वो ठीक कर देते थे भगवती देख। अच्छा, अभी हमारा प्लान है थोड़ा आगे जाने का, तो सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो भाई को अलविदा कहते हैं। थैंक यू सो मच भाई, ठीक है, ऐसे ही नए नए लोग मिलते रहते हैं। सब्सक्राइब वो देखो वो जरूरी है भाई, पहले कह रहा बातें बाद में, पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थक गए हैं बहुत ज़्यादा, तो अभी सीधा बस हम अपने रूम पे जा रहे हैं, और बहुत बढ़िया लगा यार, नए नए लोगों से मिला, नई नई चीज़ें सीखा, और मतलब कुछ लोग बहुत सही रहते हैं यार, भाई ने बहुत हेल्प करी यार। भाई मतलब खुद ने चप्पल पहन रखी थी, अब मैं चप्पल लेने के लिए कहीं और जा रहा था, उसको रूम पास ही था, तो उसने अपनी चप्पल दे दी और मुझे खुद नंगे पैर घूम रहा है, और कह रहा भाई तुम चप्पल पहन के घूमो, तुम्हें आदत नहीं है ना, तुम बाइक चला के आ रहे हो। तो मतलब एक बाइकर को एक रिस्पेक्ट भी मिलती है कि यार बाइक से इतनी दूर तक आए हैं, उसको हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करी है भैया। तो अंदर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं था, तो सब मैंने भारी छोड़ दिया था, और वो स्कैम वाली बात बताऊँगा अभी आपको। तो भाइयों अभी सीन कुछ ऐसा है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत सारे करने के लिए। ये अभी अपन चाउमीन लेके आए थे, देखो दिन में जो हमने खाया था ना उससे हमारा पेट तो भर गया था, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, मतलब क्या है यार हमारी वो जो टंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड खाने को तड़प जाती है। चाउमीन बढ़िया, और उससे बढ़िया बात यह है कि भाई अच्छी तरीके से दर्शन हो गए, मतलब जैसा सोचा था ना वैसा ही हुआ, बस आप लोगों को नहीं दिखा पाया क्योंकि मजबूरी थी। उसने कहा कि भैया आप ना यहाँ से प्रसाद ले लो, जल्दी लाइन जा रही है, जल्दी अभी नंबर आ जाएगा, फटाफट जल्दी ले लो, तो मैं आपको अंदर एंट्री करवा दूँगा फ्री में, कोई आपका एक्स्ट्रा पास VIP पास नहीं कुछ नहीं लगेगा, हर कोई एक्साइटेड होकर चला जाएगा। वो ले गया एक प्रसाद की दुकान पर, भैया ये दो प्रसाद लो, एक प्रसाद अंदर चढ़ेगा एक प्रसाद आपको मिलेगा, ये चुन्नी ले लो, ये चुन्नी बाबा को आप खुद चढ़ा लेना, उसके बाद एक बाबा के पास रहेगी एक आपके पास रहेगी। मैं सुन रहा था, मैं शूट कर रहा उसका चुपचाप, मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया। मैं फिर जब अंदर वहाँ पे जाना लगा ना, मुझे ये आइडिया नहीं था कि अंदर ले जाने ही नहीं देंगे, मुझे लगा अंदर नहीं चढ़ाते होंगे, लेकिन ले जाने तो देंगे, बट वहाँ गया ना तो वो ले जाने ही नहीं दिया। फिर वो भैया ना साथ ही लेके गए थे, तो वो भैया ना लेके प्रसाद लेके, मैं उधर से देख रहा, मैंने कहा चलो भैया आप ये ले जाने नहीं दे रहे, कोई नहीं मैं बाद में बात करता हूँ। तो उस बंदे ने, मैं अंदर लाइन में लग गया, कुछ भी आपके पास अलाउड नहीं है, पैसे वैसे पर्स, मतलब पैसे तो आप रख सकते हो, पर्स वर्स कुछ भी, मतलब खाली हाथ जाना है आपको। मैं अंदर लाइन में लगा, जैसी पुलिस की चेकिंग आई, पुलिस वाले ने कहा कि मतलब कुछ भी आपके पास नहीं होना चाहिए, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। वो जो प्रसाद जो इतना महंगा लिया था 750 का बनाया था पहले, तो उसमें फिर उसमें मैंने दो तीन चीज़ें हटाई, फिर उसमें 500 रुपये का बनाया, मैंने 500 ट्रांसफ़र भी कर दिया उसको। फिर मैंने ना बाहर देख रहा था, तो वो बंदे ने क्या करा, जो मेरा प्रसाद था ले जाके उसकी दुकान वाले को वापस दे दिया। तो इसमें प्रसाद कहाँ से हुआ, कहता कि भैया हमने, मेरे को बोल के भेजा कि भैया हम ना टच करवा के देंगे बाबा से। मतलब स्कैम देख रहे हो किस हद तक आपकी श्रद्धा होती है ना, उनके साथ कितनी ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे हैं यार ये लोग। आप सोच रहे हो कि यार बाबा के टच हुआ तो आपके लिए प्रसाद बन चुका, लेकिन ये लोग झूठ बोल के आपको वो प्रसाद दे देते हैं जो यहाँ से लिया और वापस दुकान पे दे दिया। लेकिन एक चीज़ और थी, उन्होंने कहा था कि आप ना फ़ोन जमा करा देना इधर। तो मैंने क्या, फ़ोन उनके पास लॉकर वगैरह था, चाबी मेरे को दी थी, एक फ़ोन था उनके पास, और मैंने चप्पल वगैरह रखवा दी थी वहाँ पे। तो कहते वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके पैसे उन्होंने वहाँ जोड़ दिए। तो फिर क्या हुआ, जब वापस आया ना, मैं कहा पहले चप्पल और फ़ोन ले लिया चुपचाप, कुछ नहीं बोला। उसके बाद ना मेरा जो दोस्त मिल गया था यहाँ पे, मैंने कहा ब्रो चला तेरे को एक स्कैम दिखाता हूँ, मेरे साथ स्कैम हुए चलते हैं, उसको भी ले आया मैं। तो मैंने कहा भैया एक चीज़ बताओ, और दो लोगों को देख के थोड़ा बंदा घबरा भी जाता ना, मैंने कहा एक फिर बंदा ही चेंज हो गया था, वो बंदा ही नहीं था। मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने उस बंदे को दिखाया कि भाई ये बंदा कौन है, कहते भैया उसका तो टाइम हो गया वो चला गया। मैंने कहा एक चीज़ बताओ कि तुम किसी का कितना फ़ायदा उठाते हो, कहते भाई साहब क्या हो गया। मैंने कहा ये बंदा कौन है, कहते भैया उसको तो चला गया। मैंने कहा आपने मुझे ये बोल के भेजा प्रसाद कि एक बाबा के चढ़ेगा एक आप अपने घर लेके जाना, ये क्यों नहीं बताया कि बाबा के प्रसाद अंदर ले जाने ही नहीं देते।
रबिया हमारा आदमी टच करा के लाता है ये वो। मैं कहाँ करा के लाता है, मैंने खुद देखा है, वो वहाँ से प्रसाद लिया उसने बाहर दे दिया। तो मैं लाइन लगे लगे देख रहा था कि क्या कर रहा है वो, उसने थैली ली और जाके अंदर जिससे लिया था उसी को दे दी। एट दी एंड क्या हुआ, उसको जब मैंने वीडियो दिखाई, वो तो शुक्र है मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया, मेरा कैश नहीं था, मैंने उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया फ़ोन से ही। उसको पेटीएम का स्क्रीनशॉट दिखा दिया, मैंने कहा बेटा ये देख 500 रुपये का स्क्रीनशॉट है, निकालो नंबर। कहता अरे भैया रहने दो ये वो। उसने क्या करा, दो प्रसाद रख दिया। मैंने कहा देखो चुन्नी ली थी, चुन्नी के मैं पैसे मैं खुद भरूंगा, जितने की भी चुन्नी है ना वो काट के बाकी पैसे आप मुझे वापस दो। मैं चाहता तो छोड़ भी सकता था, लेकिन मैंने कहा आप वापस चुन्नी के अलावा बाकी पैसे मुझे दो। कहता है भैया, उसने ऐसे करा चुन्नी के अलावा दो प्रसाद भी रहने दिए और उसने मेरे को 200 रुपये दिए वापस, मतलब 500 रुपये से 200 तो 300 रुपये उसने काट लिए। पर कोई नहीं यार छोड़ो। तो मैंने भैया को बोला कि चलो भैया रहने दो आप, एक प्रसाद की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसे मत करना किसी और के साथ कि कोई और आदमी आए, जो उसकी श्रद्धा है उस आदमी की, उसकी श्रद्धा के साथ आप खेलो मत कम से कम। वो बंदा कितने विश्वास से आया होगा और आप सोच रहे हो, वो सोच रहा है कि अगला बेचारा आपने टच करके दिया और आपने कुछ नहीं करा और अगला बंदा देख लेगा तो टूट नहीं जाएगा। कह रहा भैया पापी पेट का सवाल है, करना पड़ता है, इतना महंगा रेंट है वो। मैंने कहा भैया और भी तरीके होते हैं काम करने के, या फिर आप शिरडी आ रहे हो या शिंगनापुर जा रहे हो तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा स्कैम चलते हैं, तो उन स्कैम से बच के रहना। तो ये वीडियो मेन उसके लिए थी, ये पर्पस आपको बताना कि भाई स्कैम भी होते हैं। ऑल दो वैसे दर्शन बहुत बढ़िया हुए, अभी क्या है अष्टोत्सव है जिसमें क्या है कल दशहरा है, तो ना साईं बाबा जी ने ना दशहरा वाले दिन समाधि ली थी, तो वो वाला दिन यहाँ पे मनाया जाता है। तो उसकी अभी पालकी निकली थी और रात को 9-10-11 बजे के आसपास, मतलब 11-12 बजे के आसपास भी दोबारा निकलेगी पूरी पालकी जा रही थी। तो वहाँ पर हमने कोशिश करी कुछ कुछ शॉट लेने की, आपने वीडियो में देखी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और कल का प्लान आपको बता दूँ, कल का प्लान ये है कि कल हम यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट गोवा के लिए, और 16-17 घंटे का रास्ता है यहाँ से, आप देख लेना शिरडी से 16-17, देखते कितने बजे तक उठता हूँ कितने बजे तक निकलता हूँ, जैसे भी होगा आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, कल मिलेंगे। ठीक है, तो जब तक आप ना एक बार लिस्ट देख लो जो मेरे आज के एक्सपेंस की थी, वैसे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। ये मैंने चाउमीन ली 50 रुपये की हाफ प्लेट, ये कमरा मैंने लिया 400 रुपये का, और प्रसाद मैंने लिया 300 रुपये का, भोजनालय मैंने 50 रुपये का भोजन करा, बस वही था, और पेट्रोल डलवाया था अर्ली मॉर्निंग कुछ 800 समथिंग का था, तो वो देख लेना। और प्लस मैं नीचे इधर साइड में इधर नीचे डाल दूंगा ना ऐसे लाइन वाइज सारे लिखे हुए आ जाएंगे, तो वो एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो मिलते हैं कल। दिस साइड एक्सप्लोरर सारांश।